लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पसीना सूंघकर और धक्का देकर लोग कमा रहे हैं लाखों, जाने ऐसी ही कुछ अजीबोगरीब जॉब्स के बारे में। जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को खाने की जरूरत पड़ती है और इस दुनिया में कुछ भी खरीदने के लिए इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उसे या तो कोई व्यवसाय करना पड़ता है या तो उसकी जॉब करनी पड़ती है। ऐसे में कई लोगों को उनकी पसंद की नौकरी मिल जाती है तो कई लोगों को रोजी रोटी के लिए कुछ अजीबोगरीब जॉब करनी पड़ती है। ऐसी ही कुछ जॉब के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। लाइन में खड़े होने की जॉब। कई देशों में ऐसा लोग जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म देखने के लिए टिकट लेना होता है तो वे अपनी जगह किसी को लाइन में खड़ा कर देते हैं, जिसके लिए ये लोग लाइन में खड़े होने वाले व्यक्ति को पैसे देते हैं। डिओड्रेंट टेस्टर की जॉब। कई देशों में लोग साफ सफाई को लेकर बहुत सी ज्यादा सीरियस होते हैं। ऐसे में ये लोग चेक करवाते हैं कि उन्होंने जो डिओड्रेंट लगाया है उसकी असर उनकी बॉडी पर दिख भी रहा है या नहीं, जिसके लिए पेशेवर डिओड्रेंट टेस्टर को लोगों की बगल को सूंघना होता है। झटका देने वाली जॉब। मेक्सिको शहर के पब या बार में जो लोग कुछ ज्यादा ही शराब पी लेते हैं उन्हें होश मिलाने के लिए झटका देने वालों को बुलाया जाता है, जिसके लिए पब में लोग झटका देने वाली जॉब करते हैं। इन तस्वीरों को देखने पर नजर आएगा कुछ ऐसा कि घूम जाएगा आपका दिमाग। रोने की जॉब। दुनिया के कई देशों में जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसका परिवार अकेले ज्यादा शौक नहीं मना पाता, इसलिए वे पेशेवर शौक मनाने वाले लोगों को हायर कर लेते हैं। धक्का देने वाली जॉब। जापान एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को समय पर जाने की आदत है। ऐसे में वहां की मेट्रो में सुबह के समय बहुत भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वहां के लोग अंदर नहीं जा पाते, इसलिए वहां पर धक्का मारने के लिए लोगों को जॉब पर रखा जाता है।